तो ही गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे गाइस अगर आप भी गूगल पे को यूज करना चाह रहे हो बिना एटीएम कार्ड का आधार कार्ड की मदद से, क्योंकि गाइस अगर आपके पास यहाँ पे एटीएम कार्ड नहीं है जो कि कुछ इस तरह का आपको शो होता है, अगर गाइस आप जो बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन किए हैं वहाँ पे आपको एटीएम कार्ड नहीं मिला है, तो अगर गाइस फिर भी चाह रहे हो यहाँ पे गूगल पे को यूज करना तो कैसे यूज कर सकते हो बिना आपके एटीएम कार्ड के और सिर्फ आपका जो आधार कार्ड होता है ना उससे गाइस, क्योंकि गाइस अगर वहाँ पे आधार कार्ड से वहाँ पे जैसी यूपीआई पिन क्रिएट करते हो तो वहाँ पे गाइस आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होगा उससे ओटीपी मांगा, तो ओटीपी जैसे फिलअप कर दोगे तो वहाँ पे गाइस आपका यूपीआई पिन क्रिएट हो जाएगा। तो आधार कार्ड की मदद से गूगल पे को यूज करना तो बहुत ही इजीली तरीके से यूज कर सकते हो, तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना है ना, क्योंकि गाइज मैं आपको बताने से पहले मैंने खुद यहाँ पे बिना एटीएम कार्ड के आधार कार्ड की मदद से यहाँ पे मैंने यूज किया है अपने गूगल पे को और यूज कर रहा हूँ। तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना है ना कि बस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक के वॉच कर लेना है, जो देख रहे हो ना उस वीडियो को नीचे में एक लाइक का बटन शो हो रहा होगा। तो अगर गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक कर देने के बाद गए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका सब्सक्राइब बटन शो हो रहा है फटाक से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है, बगल में जो बेल आइकन घंटी है ऑल पे सिलेक्ट कर देना है ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, उस वीडियो को सबसे पहले आप देखकर फायदा उठा सको। तो चलिए अब मैं आपको बताते हैं बिना समय गवाए आपको यहाँ पे जो गूगल पे है यहाँ पे गए आपका यहाँ पे तो बैंक अकाउंट ऐड हो जाता होगा, लेकिन गए वहाँ पे आप जैसे यूपीआई पिन क्रिएट करना चाहते होगे तो यहाँ पे जो आपका एटीएम कार्ड है ना एटीएम कार्ड का जो यहाँ पे अंतिम का 6 अंक होता है वो फिलअप करने का कहता होगा और वैलिडिटी यहाँ पे फिलअप करने का कहता होगा, तभी तो आपका एम पिन क्रिएट हो पाएगा। लेकिन गाइज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके सिर्फ आधार कार्ड की मदद से एम पिन क्रिएट हो जाएगा, उसके लिए आपको एटीएम कार्ड का नंबर फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए गाइज अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का और लिंक दे दिया हूँ भीम यूपीआई का, तो वहां से गाइज जाकर भीम यूपीआई डाउनलोड कर लेना है, कुछ इस प्रकार का आपको शो होगा। तो गाइज जैसे वहां से डाउनलोड करते हो डाउनलोड करने के बाद गाइज वहां से लॉग इन कर लीजिएगा, लॉग इन करने के बाद फिर से आपको ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया हूँ और यहाँ पे गाइज मैं जैसे पासवर्ड फिलअप करता हूँ उसके बाद यहाँ पे ओपन हो चुका है भीम यूपीआई। तो गाइज पहली बार अगर आप भीम यूपीआई को डाउनलोड कर रहे हो तो आप पहले वहां पे लॉग इन कर लीजिएगा, लॉग इन करने के बाद पासवर्ड क्रिएट करने का कहेगा तो आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आपका भी कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इस पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर आप पहली बार इंस्टॉल किए हो तो आपको यहाँ पे ये शो नहीं होगा और यहाँ पे आपको ऐड बैंक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे यूज किया हूँ इसलिए यहाँ पे मेरा एक बैंक अकाउंट ऐड पहले से है। उसके बाद गाइज अब आपको क्या करना है कि नीचे प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, या फिर आपको ऐड बैंक का ऑप्शन दिख रहा होगा तो उस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर देख सकते हो बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद जैसे आप उस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे गाइज आपको बहुत सारे बैंक देखने को मिल जाएंगे, तो जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट ओपन है उस बैंक को आप यहाँ से ढूंढ सकते हो या फिर आप यहाँ पे जाकर सर्च मार सकते हो। फिर आप उस पे क्लिक कर दीजिएगा, आप उस पे जैसे क्लिक करते हो उसके बाद फिर यहाँ पे लिंक हो जाएगा। उसके बाद गाइज अब आपको क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है, इस पे आप जैसे क्लिक करते हो उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट करने के बाद यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ समय वेट कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हो प्लीज वेट का ऑप्शन आ चुका है। अब गाइज इस पे फिर से क्लिक करना है जिस बैंक अकाउंट को आपने ऐड किया, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ऐड किया तो यहाँ पे आपको सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हो मेरा यहाँ पे फॉरगेट यूपीआई पिन देखने को मिल रहा है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा सेट यूपीआई पिन पे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डेबिट कार्ड और यहाँ पे नीचे में आधार कार्ड का ऑप्शन है, तो आप गाइज आधार कार्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, आधार कार्ड पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर से एक्सेप्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर से गाइज आपको यहाँ पे वेट कर लेना, वेट करने के बाद आधार कार्ड का अंतिम का 6 अंक यहाँ पे फिलअप कर देना है, फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर गाइज जो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, जैसे कि देख सकते हो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, फिलअप करने के बाद गुड के निशान पे क्लिक कर देना है, जो बैंक अकाउंट को आपने ऐड किया उस बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपको ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को फिर से आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ।
फिलअप करने के बाद गाइज फिर से आपको गुड के निशान पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली गाइज यहाँ पे सेट 4 डिजिट UPI पिन का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे आपका ATM कार्ड का ऑप्शन नहीं आया है, देख सकते हो मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद फिर से आपको गुड के निशान पर क्लिक कर देना, फिर से गाइज वही वाला पिन फिर से आपको कन्फर्म कर देना। तो यहाँ से देख सकते हो फिर से मैंने कन्फर्म कर दिया, फिर से गाइज यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे फाइनली गाइज आपका UPI पिन क्रिएट हो चुका है। तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर गाइज इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से एक लाइक कर दो। अगर अभी तक मेरे चैनल पे नए हो और इसी तरह का न्यू वीडियो देखना चाह रहे हो तो फटाक से जाकर के अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन घंटी है ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। और हाँ गाइज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर देना आपको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है कोई भी एप्लीकेशन से तो। और हाँ गाइज एक बड़ी खुशखबरी और मैं आपको दे दूँ कि अगर आप भी पेटीएम यूज करते हो तो पेटीएम के अंदर वॉलेट एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइज ऐसे भी स्टार्ट होना शुरू हो चुका है, मैंने लाइव प्रूफ वहाँ पे आपको करके बता दिया। तो वहाँ पे गाइज फटाक से जाकर के अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल को जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और गाइज अपने फ्रेंड रिश्तेदार के साथ शेयर नहीं किया तो फटाक से जाकर के शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।